तो फिर से आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। तो दोस्तों, एक पीएफ में जो एक वीक प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर बोल रहे हैं कि हम जब हमारा यूएन में, यूएन एक होता है, यूएन में मेंबर आईडी अगर एक से अधिक हो जाता है, जैसे कि आप एक कंपनी में काम किए, दूसरा कंपनी में काम किए, तीसरा कंपनी में काम किए, तो इस टाइप से आपके यूएन में मेंबर आईडी बनता जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, जब हम पीएफ क्लेम करते हैं तो जो प्रजेंट मेंबर आईडी होता है वही सेलेक्ट होता है, वही में से पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो मेंबर आईडी दिखा देता हूँ किस टाइप से होता है। तो ये हमारा मोबाइल का डिस्प्ले है और ये हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो हम ईपीएफ का साइट खोल लेते हैं। साइट खोलने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ई पासबुक का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमने यूएन और पासवर्ड डाला हुआ है, यहाँ पे हम कैप्चा डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा यूएन नंबर और पासवर्ड ऑलरेडी फिलअप है, तो हम यहाँ जो कैप्चर आ रहा है वो कैप्चर यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद डायरेक्टली हमें साइन लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा आईडी होगा वो लॉगिन हो जाएगा इस टाइप से। तो फिर सब देख सकते हैं, ये जो यूएन है, ये यूएन, ये यूएन में यहाँ पे दो मेंबर आईडी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो जिसका भी ये यूएन नंबर है, इन्होंने दो कंपनी में काम किया। ओके, तो ये दो मेंबर आईडी आ जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है, जब हम क्लेम करते हैं ना, तो प्रजेंट नीचे वाला होता है, जो नीचे वाला है ना वो प्रजेंट होता है। तो जब भी हम क्लेम करेंगे तो यही आपको ऑप्शन, यही यही मेंबर आईडी सेलेक्ट होता है। ओके, तो ये मेंबर आईडी निकालने का मेन ये हो जाता है कि ये मेंबर आईडी से कैसे निकालेंगे, इसी का, यही टॉपिक का ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं। ओके, तो हम आज यही टॉपिक पर बात करेंगे। तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं जहाँ पे क्लेम होता है वहाँ पे, कि वहाँ पे किस टाइप से मेंबर आईडी प्रजेंट वाला शो होता है, वो पहले मैं आपको दिखा दूँ। तो हम न्यू टैब ले लेते हैं, ये हमारा न्यू टैब है। ओके, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक आवर सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाना है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन फॉर एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको सर्विस में सेकेंड नंबर ऑप्शन पे मिल जाता है मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है, ताकि फ्रेंड्स जो पेज है हमारा वो फुल पेज में ओपन हो और हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डालने के लिए। तो यहाँ पे हम कोई एक यूएन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे यूएन सेलेक्ट कर लिए हैं और उसके बाद ये जो कैप्चर आ रहा है वो हमें डालनी है। तो कैप्चर है 21GAM। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कैप्चर डाल दिया है, उसके हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो फ्रेंड्स ये आईडी हमारा लॉगिन हो जाता है इस टाइप से। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, क्लेम करने के लिए हमें जाना होता है ऑनलाइन सर्विस में, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद क्लेम फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ये हमारा क्लेम करने के लिए फॉर्म होता है, जो कि 31 का है, 19 का है, 10C का है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मेंबर आईडी होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मेंबर आईडी है, ये हमारा प्रजेंट होता है, जो कि सबसे डाउन होता है, जो वहाँ पे सबसे डाउन ये मेंबर आईडी होता है वही आपका प्रजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंबर आईडी, यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता है जो आप मेंबर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करके
आप पिछला कंपनी का ओल्ड पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपको मेंबर आईडी से मेंबर आईडी ट्रांसफ़र करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम ये पेज पे आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा प्रेजेंट है। तो ये आपको मेंबर आईडी से मेंबर आईडी ट्रांसफ़र करना होगा। आपको इसका जो अमाउंट है वो इसमें ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट। तो दोस्तों अगर आपको ट्रांसफ़र करना नहीं मालूम है, तब मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मेरा चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वैसे मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक